क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। विजय शंकर को टीम इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया है। हालांकि आईपीएल में वो कोई खास खेल नहीं दिखा पाए और इसी वजह से उन्हें खासा ट्रोल भी किया गया। विजय शंकर ने न सिर्फ खुद को परफेक्ट बताया है बल्कि इशारों इशारों में अंबाती रायडू को भी तीखा जवाब दे दिया। तो आपको बता दें शंकर ने क्या कहा, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले जहां टीम इंडिया के खिलाड़ी थकान मिटा रहे हैं, वहीं विजय शंकर अपने निजी कोच के साथ दो सेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। शंकर सुबह और शाम पसीना बहा रहे हैं। विजय शंकर से ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने खुद को नंबर 4 के लिए परफेक्ट बताया। शंकर ने कहा कि वो नंबर 4 पर अच्छा खेल दिखा सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कभी पहले 10 ओवर में तो कभी 40 ओवर के बाद मैदान में आना पड़ सकता है और इसीलिए मैं नंबर 4 के लिए तैयार हूँ। विजय शंकर ने कहा कि मैं अपने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी पर भी ध्यान दे रहा हूँ ताकि टीम के लिए और ज्यादा योगदान कर सकूं। विजय शंकर ने उनके चयन पर उठ रहे सवालों पर कहा कि लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देते हैं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी लायक हूँ तभी मुझे टीम इंडिया में चुना गया है और किसी के एहसान से नहीं। यानी विजय शंकर ने साफ साफ अंबाती रायडू पर ही सवाल उठा दिए क्योंकि रायडू ने ही शंकर के वर्ल्ड कप टीम में चयन के बाद सोशल मीडिया में 3D वाला बयान दिया था। अब शंकर ने रायडू को मुंह से तो जवाब दे दिया, अब देखना होगा अपने खेल से वो कैसा जवाब देते हैं। तो आप भी कमेंट जरूर करें कि रायडू और शंकर में से कौन ज्यादा बेहतर खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए हो सकता था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।